तेजो की बेरुखी देख टूट जाएगा फतेह। कैसे समझाएगा तेजो को कि वो करता है उससे कितना ज्यादा प्यार, कैसे समझाएगा वो अपनी बात, क्योंकि यहाँ पर तेजो जो है वो बेहद नफरत करने वाली है फतेह से। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और एक बार फिर से फतेह जो है वो बहुत ही ज़्यादा टूटने वाला है और एक बार फिर से उसकी वजह जैस्मिन ही बनने वाली है। जैस्मिन उस रात जान बूझ कर आई थी ताकि जो तेजो है वो ये देख जाए कि ये सब कुछ जो है वो जैस्मिन और फतेह ने किया था। यहाँ पर जिस तरीके से जैस्मिन ने फतेह को बुलाया था उससे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि तेजो के मन में वो ये बात डालना चाहती थी कि ये काम जैस्मिन और फतेह दोनों ने मिलकर किया है, ये जानबूझकर जैस्मिन ने किया है और उसका खामियाजा अब फतेह को भुगतना पड़ेगा। फतेह जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। फतेह जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया है क्योंकि जिस तरीके से फतेह ने तेजो की देखभाल की थी, तेजो के लिए सब कुछ छोड़ा और जब तेजो की याददाश्त वापस आती है तो वो उस पर बरस पड़ती है। वेल, आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि फतेह की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब होने वाली है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रेस में आने वाला है और ये देख कर एक बार फिर से विर्क फैमिली को कहीं ना कहीं से तेजो पर गुस्सा आ सकता है। वेल, एक बार फिर से वो ये बात बोलती नजर आ सकती है, खासतौर पर गुरप्रीत, कि देख तूने जो है वो तेजो के लिए इतना कुछ किया और अब याददाश्त आने के बाद वो तुझे इस तरीके से कर रही है, ये बात वो बोल सकती है। तो आने वाले एपिसोड में आपको बता दें कि फतेह पूरी तरीके से टूटेगा लेकिन जो संधू फैमिली है यानी कि तेजो की अपनी फैमिली है वो तेजो को बताने वाली है कि किस तरीके से जो फतेह है उसने उसका सपोर्ट किया, किस तरीके से उसने उसका स्टैंड लिया, कैसे कैसे वो उसकी देखभाल करता था, तब जाकर कहीं तेजो के लिए जो है तेजो के जो मन में है वो फतेह को लेकर फीलिंग्स जगने वाली है, तब जाकर कहीं तेजो जो है वो फतेह को माफ़ करने वाली है। लेकिन थोड़ा सा उसके लिए वक्त लगेगा। फिलहाल तो यहाँ पर तेजो जो है वो फतेह को सब कुछ बताने वाली है कि क्या हुआ था उस रात और वो कैसे अपने बारे में बताने वाली थी, बच्चे के बारे में बताने वाली थी। उसने जैस्मिन को बोला था कॉल करने के लिए, जैस्मिन ने फतेह को कॉल किया था और फिर जब यहाँ पर वो आई तो सब कुछ बदल गया था। यहाँ पर उसे जलाने की कोशिश की, जहाँ पर फतेह उसको बताएगा कि जैस्मिन ने नहीं बल्कि अंगद ने उसको जलाने की कोशिश की। इसके बाद जो है वो जैस्मिन के बारे में कुछ बड़ी बात बताएगी जिसे सुनने के बाद फतेह के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और साथ ही साथ वो मैसेज भी दिखाएगी कि ये देखो ये मैसेज जो है वो मैंने लास्ट में पढ़ा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि हम जल्द ही एक होंगे और ये सारी बातें लिखी हुई थी। यहाँ पर ये सब सिचुएशन जो है वो फतेह देखेगा और देखेगा कि ये सब क्या कर रही है, जैस्मिन का ही इसमें हाथ है और फिर यहाँ पर वही गोडाउन और फिर वहीं पर ये सारा सिचुएशन होना, ये सब कुछ जो है वो हर तरफ से जैस्मिन को ही इशारा करता है। ये देखने के बाद फतेह जो है वो एकदम आग बबूला होने वाला है जैस्मिन पर, वो सब कुछ समझ जाएगा जो अब तक जैस्मिन ने किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि वो पूरी तरीके से टूट गया है, वो नहीं समझ पा रहा है कि तेजो उसकी बात को कैसे समझेगी। आने वाले ट्रैक में तेजो उसकी बात को समझेगी, धीरे धीरे चीज़ों को नॉर्मल किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि तान्या की भी एंट्री होगी और तान्या भी तेजो को बताएगी कि क्या किया है जैस्मिन ने, साथ ही साथ वो बताएगी तेजो के बारे में भी कि किस तरीके से तेजो के जाने के बाद कैसी ज़िंदगी हो गई थी फतेह की। इसके बाद हो सकता है कि तेजो को रियलाइज़ हो। फिलहाल तेजो के लिए पूरी तरीके से टूट जाएगा फतेह। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।